अयोध्या में राम मंदिर के शुभारंभ से पूर्व कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कपकोट के मंदिरों में सफाई अभियान संचालित करते हुए लोगों के कल्याण की कामना की है। इस मौके पर विधायक ने कहा कि 22 जनवरी विश्व के लिए ऐतिहासिक तिथि होने वाली है। 500 सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्रेरणा के कारण हम सब लोग अपने विधानसभा क्षेत्रों के अंदर हर गाँव के मंदिरों का सफाई करने के साथ पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और गांव में और विधानसभा के हर क्षेत्र के अंदर सुख समृद्धि और एक पॉजिटिव एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश के हर कोने में जहां कहीं भी हमारे मंदिर बने हों उन मंदिरों की साफ सफाई और उसे एक सकारात्मक ऊर्जा देश के अंदर बने, क्योंकि पूरे देश के अंदर विश्व के अलग अलग कोनों पर प्रभु रामचंद्र जी का मंचन हो रहा है और अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर बन गया है। तो हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हमारे समाज के अंदर राम राज्य स्थापित हो, तो उसके निमित्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा के कारण से हम सब लोग अपने अपने क्षेत्रों के अंदर अलग अलग स्थानों पर अपने मंदिरों की सफाई कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और जिसके कारण से आने वाले दिनों में राम राज्य की स्थापना हो सके इसकी कामना कर रहे हैं। तो ऐसे शुभ अवसर पर मैं अपनी विधानसभा की सम्रांत जनता का आह्वान अभिनंदन वंदन करता हूँ और उनसे निवेदन भी करता हूँ कि अपने अपने गाँव में अपने इष्ट भगवानों की पूजा अर्चना करें और अपने गाँव को समृद्ध बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए माननीय मोदी जी का जो संदेश है उसको साकार करने के लिए हर क्षेत्र के अंदर हम सब पूजा अर्चना भी करेंगे और माननीय मोदी जी के सपनों के भारत को साकार करने में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। इधर विधायक ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कपकोट में 4 नए पुलों को स्वीकृति प्रदान की है। क्षेत्र की जनता नदी नालों में पुल बनाने की मांग बीते कई सालों से कर रही थी। उन्होंने कपकोट क्षेत्र की जनता की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का मैं तहे दिल से आभार अभिनंदन वंदन करता हूं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमारे प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी कपकोट में आए थे और हम सब लोगों की मांग थी और बहुत 10 सालों से जो राम गंगा में पुल था कपकोट को जोड़ने वाला, पिथौरागढ़ कपकोट जनपद बागेश्वर को जोड़ने वाला, वो आपदा से बह चुका था। तो उसके निमित्त हमने पिछले साल से लगातार प्रयास किया था कि यहाँ पर मोटर पुल बनना चाहिए, तो उसी के निमित्त हमारे राम गंगा में पुल की स्वीकृति आ गई है। और वैसे ही हमारा देवतोली इंटर कॉलेज विलेज के यहाँ पर भी एक पुल बनना है, उसकी भी स्वीकृति आ गई है। और कपूरी तकनार में भी पुल बनना है, उसकी भी स्वीकृति आ गई है। सरयू के ऊपर दारसों के पास एक पुल बनना है, उसकी भी स्वीकृति आ गई है। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5 पुलों की स्वीकृति आई है। तो मैं प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का पूरी कपूर विधानसभा की ओर से बहुत अभिनंदन वंदन करता हूं और उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद करता हूं। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।